नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो पे मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ और ये चीज आपको मैं जो बताने वाला हूँ इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं खुद से गाना निकालने के लिए हम किस तरह से प्रयास करें तो हमसे खुद से गाना हारमोनियम पे आपके केसियो कीबोर्ड पे निकल जाए, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये चीज बताने में मेरे को थोड़ा वक्त लगेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा, अगर बीच में छोड़ देंगे तो समझ नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम खुद से अगर गाना निकालना चाहते हैं तो कोई सॉन्ग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम ये गाने को निकालेंगे। और मैं मानता हूं कि अगर कोई गाना को हम यहाँ निकालना चाहते हैं हारमोनियम पे तो वो गाना हम या तो हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है वो गाना, और अगर हमको वो गाना बहुत पसंद है तो उस गाने को हम बार बार सुनते रहते हैं। तो उस गाने को बहुत बार हम लोग सुन लिए रहते हैं, वो गाना हमको पूरा याद रहता है, तभी हम इस पे उसको निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात और बता देना चाहूंगा कि अगर उस गाने को आपने पूरा नहीं सुना है, अच्छे से याद नहीं है आपको, तो निकालने की कोशिश ही मत कीजिए, नहीं निकलेगा वो गाना आपसे। जब तक आप पूरा नहीं सुने रहेंगे प्रयास ही मत कीजिए, पहले गाना को पूरा सुनिए उसके बाद ही निकालना चालू कीजिए। चलो मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से प्रयास करें ताकि हमसे खुद से गाना निकल जाए। तो सबसे पहले तो हम सॉन्ग सिलेक्ट कर लिए, सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद हम स्केल सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं काली दो को सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने पिछले दो वीडियो में बताया था कि काली दो अगर मैं कोई भी स्केल सिलेक्ट करता हूं तो मैं उसके कॉर्ड को पहले पकड़ूंगा, ठीक है, जो मेजर कॉर्ड है सागा पा का उसको मैं पकड़ूंगा। अभी मैंने गाना सिलेक्ट किया है कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ये वाला गाना मैंने सिलेक्ट किया है। अब इस गाने को मैं देखिए अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इस गाने को मुझे बजाना है कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, इस गाने को मुझे बजाना है, नदिया के पार पिक्चर का ये गाना है। और अब इस गाने को मुझे बजाना है तो मैं सीधा डायरेक्ट इसके मुखड़ा को लूंगा, जैसे कि कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, तो ये अलग बात हो गई। और उसके पहले जो म्यूजिक बजा है वो म्यूजिक कुछ इस प्रकार से है, ये म्यूजिक है। अब कई लोग क्या करते हैं, कोई गाना सेलेक्ट करने के बाद शुरू का जो म्यूजिक होता है उसको बजाने का प्रयास करते हैं। ये शुरू का म्यूजिक है, देखिए मैंने काली दो सिलेक्ट किया, उसके कॉर्ड को पकड़ा और कॉर्ड से ही मेरा गाना चालू हो रहा है। जो मैं आपको बात बताया हूँ वो फालतू बात नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने बार बार देखा है और बार बार आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि पहले अगर कॉर्ड आप लोग पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है। तो ये मैंने कॉर्ड पकड़ लिया और ये शुरू का म्यूजिक है, फिर कॉर्ड मैंने पकड़ा और ये कॉर्ड से ही फिर चालू हो रहा है। तो आज मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूं कि कोई भी गाना आप निकाल रहे हैं, कोई भी गाना अगर आप निकाल रहे हैं हारमोनियम पे तो वो गाना का जो अंतरा होता है, मुखड़ा होता है और जो म्यूजिक होता है, ये तीनों आपको बराबर याद होना चाहिए, ठीक है। मुखड़ा याद रहना चाहिए, अंतरा याद रहना चाहिए और उसका जो म्यूजिक है, ये तीनों आपको बराबर याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले तो हम स्केल फिक्स कर लिए, मैंने स्केल फिक्स कर लिया, आप कोई भी स्केल फिक्स कर सकते हैं। मैंने स्केल फिक्स किया कि काली दो से मेरे को ये गाना निकालना है जो गाना मैं बजाने वाला हूँ। अब मैंने काली दो सिलेक्ट किया, मैंने काली दो के मेजर कॉर्ड को पकड़ लिया, मेजर कॉर्ड को पकड़ने के बाद मुझे याद है कि गाना कौन सा निकालना है। अब यहाँ पे आपको जो बता रहा हूं कि मुखड़ा, अंतरा और म्यूजिक याद होना चाहिए। कई गाने के शुरू में जो म्यूजिक होता है वो अलग होता है, बीच में अलग म्यूजिक डाला रहता है, तो शुरू का म्यूजिक याद रहना चाहिए, बीच का म्यूजिक याद रहना चाहिए, अंतरा याद रहना चाहिए, मुखड़ा याद रहना चाहिए। अब हमारे पास आ गया
चार ठो ऑप्शन, ठीक है। शुरू का म्यूजिक हो गया, अंतरा हो गया, मुखड़ा हो गया और बीच का म्यूजिक हो गया। ये चारों चीजें हैं एक गाने में, एक गाने में ये चारों चीजें हैं, ठीक है। तो हमने कॉर्ड पकड़ा है तो सबसे पहले उसके शुरू वाले म्यूजिक को निकाल के देखिए इस कॉर्ड से, ठीक है। सबसे पहले शुरू वाले म्यूजिक को निकाल के देखिए, दूसरे में अगर शुरू वाले म्यूजिक आपसे नहीं बच पा रहा है तो उसके मुखड़ा को निकाल के देखिए, उस गाने को मुखड़ा को निकाल के देखिए। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है ये, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने शुरू वाला, ये काली दो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने जैसे कि बताया कि शुरू वाला म्यूजिक को ट्राई कीजिए, शुरू वाला म्यूजिक मैं ट्राई करता हूँ, ये हो गया। अगर आपसे ये चीज नहीं हो रहा है, मान लो चाहे आपने ये गाना सेलेक्ट किया है और आपने काली दो का कॉर्ड पकड़ लिया, अगर आपसे ये गाना नहीं हो रहा है, शुरू का म्यूजिक आपसे नहीं निकल रहा है, तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाइए, यानी कि मुखड़ा। मुखड़ा है कौन दिशा में, तो ये सीधा मुखड़ा को निकालने का प्रयास कीजिए। कौन दिशा में लेके चले बतिया, ये मुखड़ा को निकालने का प्रयास कीजिए। अगर मुखड़ा आपसे नहीं निकल रहा है तो बीच के म्यूजिक को निकालने का प्रयास कीजिए, जैसे कि ये म्यूजिक है बीच का, तो म्यूजिक को निकालने का प्रयास कीजिए। ये भी कहीं ना कहीं कॉर्ड से चालू हो रहा है, देखना हो रहा है ना, ये कॉर्ड से ही चालू हो रहा है। ये अगर आप बीच का म्यूजिक नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका जो अंतरा है, इसका जो अंतरा है, आपके पास रहता है। कोई भी गाना अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो स्केल फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये स्केल में ये गाना निकालना है। उसके बाद आप उस स्केल के कॉर्ड को पकड़िए। कॉर्ड को पकड़ने के बाद चार ऑप्शन है उस गाने के लिए आपके पास, चारों ऑप्शन को ट्राई कीजिए। शुरू के म्यूजिक को बजाकर देखिए, वहां से वो नहीं बज रहा है तो अंतरे को बजाकर देखिए, अंतरा नहीं बज रहा है तो मुखड़ा को बजाकर देखिए, मुखड़ा नहीं बज रहा है तो बीच का जो म्यूजिक है उसको बजा के देखिए। लेकिन आप क्या करते हैं, शुरू में कोई गाना निकालना चाहते हैं और जो शुरू का जो होता है उसका चला रहता है, उसी चीज को आप सुनते हो और उसी को ट्राई करने लग जाते हो और वो नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, तो आप सोचते हो कि हमसे कोई गाना निकलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं, मैं जो बता रहा हूं आपको तरीका, ये अगर आप ट्राई करते डेफिनेटली आपसे कोई भी गाना निकलेगा, निकलेगा, निकलेगा। सीखते तक तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जब आपको 8-10 गाना खुद से ऐसे निकालना आ जाएगा ना, तब आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। आप कॉर्ड पे हाथ रखोगे और सीधा डायरेक्टली आप जहां पास को बजाना चाहोगे वहां पास को बजा लोगे। लेकिन ये अभ्यास भी जरूरी है, ये चीज को समझिए, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए आप अलंकार कर लिए, राग थर्ड जो भी कर रहे हैं उनको थोड़े दिन, 2 दिन उसको रोक कर आप 2 दिन इसको प्रैक्टिस करके देखिए, अगर खुद से गाना निकालना चाहते हैं तो। और राग थर्ड कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि जब तक आपसे खुद से गाना कोई भी नहीं निकल रहा है तब तक उन सब चीजों में ध्यान दोगे तो मन भटकेगा। और अगर आपसे 8-10 गाना ऐसे निकल जाता है हल्का फुल्का, तो आपको बजाने में थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा और उन सब चीजों को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उन चीजों को आप इंटरेस्ट के साथ सीखे, इसलिए ये तरीका जो मैं आज बता रहा हूं कि कोई भी गाना है उसको सेलेक्ट कीजिए, वो गाना आपको पूरा याद रहना चाहिए, म्यूजिक याद रहना चाहिए, अंतरा याद रहना चाहिए, मुखड़ा याद रहना चाहिए, बीच बीच में क्या म्यूजिक डाले वो याद रहना चाहिए, और स्केल फिक्स कीजिए, उसके बाद कॉर्ड को पकड़िए और उन चीज में, उन जो चारों आपको बता रहा हूं ऑप्शन, चारों ऑप्शन को आप इसी में करके देखिए, जो स्केल आप फिक्स किए हैं उसी में चारों ऑप्शन को करके देखिए, चारों में से कोई ना कोई आप जरूर निकाल लोगे। और अगर एक जगह को आपने पा लिया ना, एक जगह को आपने पा लिया, अगर कहीं रास्ता गया है, अगर रास्ता के सामने में अगर हम लोग आ गए और ये रास्ता हमारे मंजिल तक गया है, हम इधर उधर भटक रहे हैं, रास्ता के पास आ जाएंगे तो उस रास्ते को अगर हम पकड़ेंगे तो मंजिल तक जरूर चले जाएंगे। यही चीज आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन में अगर आप दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, तो आप खुद से गाना निकालने में कामयाब हो जाएंगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, लगन लगाने की जरूरत है। ये जो चीज है आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन ये जो चीज है इस पे थोड़ा बहुत आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कौन से की से चालू करूं,
ये चार ऑप्शन मैंने जो बताया है, चारों ऑप्शन को मुखड़ा नहीं निकल रहा है तो अंतरे को निकाल के देखिए, अंतरा नहीं निकल रहा है तो म्यूजिक को निकाल के देखिए, ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई चीज आपको उस गाने का जरूर पकड़ में आएगा, क्योंकि आप उस गाने को सुने हुए हैं और हारमोनियम पे अगर केसियो पे ट्राई कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज आपके पकड़ में जरूर आएगा। लेकिन अगर कोई गाना आप खुद से हारमोनियम में निकालना चाह रहे हैं और उस गाने को जिस जगह को आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कौन दिशा में लेके चल रहे बटोहिया ये करना है, तो उसी चीज को करते रहोगे तो दिमाग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और आप नहीं निकल रहा है करके छोड़ देंगे। लेकिन कौन दिशा में लेके चल रहे बटोहिया इसको छोड़ दीजिए, शुरू का म्यूजिक कीजिए, अगर म्यूजिक नहीं बज रहा है तो उसके अंतरे को लीजिए, ए गुंजा उस दिन तेरी सखिया ये बजाइए, अगर वो नहीं बज रहा है तो बीच का म्यूजिक जो है ये बजाइए। ये इस तरह से तो हर गाने में बीच में म्यूजिक डाला होता है, शुरू में म्यूजिक डाला होता है, कई गाना सीधा डायरेक्ट गाना चालू होता है, कई गाना सीधा अलाप से चालू होता है, तो अलाप को लीजिए, अलाप अगर नहीं बज रहा है तो मुखड़े को लीजिए, मुखड़ा नहीं बज रहा है तो अंतरे को लीजिए, अंतरा नहीं बज रहा है तो म्यूजिक को लीजिए। लेकिन कॉर्ड जो पकड़े हो आप उसी स्केल पे, ये मेरा काली दो का मेजर कॉर्ड है, इसी स्केल पे मैं उसका सारा चीज करके देखूंगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर आप करेंगे तो सही में होगा मतलब होगा ये मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यही जो तरीका मैं अपनाता हूं वो तरीका आपको मैं बता रहा हूं। तो ये चीज कीजिए दोस्तों, चारों तरीकों को आजमा के देखिए, आपसे खुद से गाना अवश्य निकलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कोई भी जानकारी अगर आपको और लेनी हो तो नीचे मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।